subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की जो हमारी असाइनमेंट है वो कॉम I-619 इंटर्नशिप रिपोर्ट, इसकी असाइनमेंट नंबर 1 है हमारे पास, अप्रूवल ऑफ इंटर्नशिप ऑर्गेनाइजेशन। कॉम I-619 इंटर्नशिप के हवाले से मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि इसमें सबसे पहले आपने अपने आप को स्टूडेंट डिक्लेयर करना होता है। आप जॉब होल्डर अगर हैं भी तो आपने यूनिवर्सिटी को नहीं बताना होता कि हम जॉब होल्डर हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अपने आप को इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल करके, स्टूडेंट डिक्लेयर करके, आपने किसी जगह पे इंटर्नशिप अपनी करनी होती है, दो महीनों के लिए या 6 हफ्ते या 8 हफ्तों के लिए, ठीक है। उसका आपने लेटर बनवाना होता है। लेटर बनवाने के बाद आपने नेक्स्ट अपना लेटर जो है वो LMS पे सबमिट करवाना होता है। लेकिन उससे पहले अभी असाइनमेंट नंबर 1 जो हमारे पास आई है वो अप्रूवल ऑफ इंटर्नशिप ऑर्गेनाइजेशन है, कि आपने कहाँ पे अपनी इंटर्नशिप करनी है या कहाँ से लेटर बनवाना है, उसकी डिटेल आपने इस असाइनमेंट के अंदर देनी है, ठीक है। तो उसके हवाले से अगर आप इंटर्नशिप नहीं भी करते तो जस्ट आप अपने रेफरेंस बेस पे भी कहीं से लेटर बनवा सकते हैं, या आपने पहले इंटर्नशिप कहीं की है पिछले 6 माह 8 माह के अंदर, तो उनमें से भी आपको यूज़ करके कर सकते हैं। तो उसकी डिटेल आपने बतानी है असाइनमेंट नंबर 1 के अंदर। तो यहाँ पे हमें ये कुछ डिटेल्स वगैरह बताई हुई हैं कि उस वहाँ पे जो आपकी प्रॉपर कंपनी है वो फाइनेंस, HR, मार्केटिंग, उसके अंदर ये डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। उसके अलावा कोई फ्रीलांसर, स्कूल कॉलेज वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उसकी ये कुछ डिटेल्स गिवन है, इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह हैं। जो असाइनमेंट का फॉर्मेट है वो यहाँ पे अवेलेबल है। आपने सबसे पहले इस टेबल को जस्ट फिल करना है, असाइनमेंट नंबर 1 को आपने सबमिट करवाना है। इसमें एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, जॉब होल्डर है या फुल टाइम है, आपने अपने आप को इंटर्नशिप के लिए फुल टाइम स्टूडेंट डिक्लेयर करना है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन नेम, ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या, जिस तरह स्टार टेक्सटाइल मिल्स, यहाँ पे मैंने इंटर्नशिप करनी है या की हुई है या यहाँ से मैंने लेटर बनवाना है। उसका सेक्टर कौन सा है, जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो, ठीक है। डू सिलेक्टेड और स्टॉक एक्सचेंज पे वो लिस्टेड है, नो वो वहाँ पे लिस्टेड नहीं है, ठीक है। उसके अलावा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, येस या नो तो आपने बस बता देना होता है। नेक्स्ट वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है, यहाँ पे मैंने उसकी डिटेल दे देनी है। अकाउंट्स है, फाइनेंस है, रिसोर्स है, सेल्स है, मार्केटिंग है, HR है, ये जो भी यहाँ पे डिटेल्स आपने वो वाली लिख देनी है। उस कंपनी का URL, वेबसाइट जो आपने बतानी है, अगर वो अवेलेबल है तो लिख दें, नहीं अवेलेबल तो उसको स्किप कर दें, ठीक है। ये यहाँ पे आपने लिखने के बाद उसको नेक्स्ट कंटिन्यू कर देना है। अगर इसके अलावा आप किसी भी, इसके अलावा आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी कोई भी असाइनमेंट, क्विज, GDB, कोई भी चीज़ चाहिए हो, या आपने इंटर्नशिप रिपोर्ट बनवानी हो, या प्रोजेक्ट या LMS के रिलेटेड कोई भी आपको इशू हो, तो आप WhatsApp नंबर पर हमारे साथ कॉन्टैक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।